देखिए इन स्टूडेंट्स को, ये स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं या स्कूल में पढ़ने वाले हिंदू मुस्लिम करने वाले स्टूडेंट्स हैं या कोई पार्टी का कार्यकर्ता है। दरअसल बात ये है कि कर्नाटका के हाई स्कूल एंड कॉलेज में मुस्लिम गर्ल्स को हिजाब पहनने से रोका गया, हिजाब पहन के आने से मना कर दिया गया। बस यहीं से शुरू हुआ कंट्रोवर्सी नामक जीव का उत्पत्ति। ये हिजाब वाला कंट्रोवर्सी इतना उग्र रूप ले लिया कि अब ये हिंदू वर्सेज मुस्लिम के साथ साथ बीजेपी वर्सेज कांग्रेस भी हो गया। इसमें पॉलिटिकल पार्टी जमकर एक दूसरे को लताड़ने में लग गई। कोई हिजाब का सपोर्ट कर रहा था तो कोई हिजाब का विरोध कर रहा था, तो कोई इसको इस्लाम का तोहीन कह रहा है। इसमें लोगों का ये कहना है कि मुस्लिम पर अत्याचार किया जा रहा है। हिजाब इज द प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम विमन। ये कंट्रोवर्सी के कारण इतना ज्यादा तोड़फोड़ होने लगा, हिंदू मुस्लिम राइट झगड़ा होने लगा कि मजबूरन पुलिस को स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज करना पड़ा। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, अब मैं बताने जा रहा हूँ इस कंट्रोवर्सी का पीछे का सच। दरअसल ये हिजाब वाला मामला 1 जनवरी 2022 में कर्नाटका जिले में उठा था और धीरे धीरे ये बहुत सारा राज्य में फैल कर बेंगलुरु तक पहुंच चुका है। साथ ही साथ कर्नाटका कोर्ट एंड हाई कोर्ट और देश के संसद भवन तक इस कंट्रोवर्सी का साउंड गूंज रहा है। 1 जनवरी 2022 को कुछ मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन के स्कूल में आती है, जिसके कारण स्कूल के प्रशासन ने उन लड़की को स्कूल के अंदर आने नहीं दिया। दरअसल स्कूल के साइड से ये साफ साफ कहा गया है कि स्कूल में स्कूल ड्रेस के अलावा कोई आउटी ड्रेस या हिजाब किसी टाइप का ड्रेस लगा के आना मना है। उसके बाद मुस्लिम लड़कियों ने स्कूल के खिलाफ नारेबाजी लगाना स्टार्ट कर दिया। साथ साथ अल्लाहु अकबर का जोर जोर से नारा लगाने लगे। उसके बाद हिंदू लड़के भी कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी जय श्री राम का नारा लगाने लगे और स्कूल का माहौल पूरी तरह से खराब हो चुका। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हिंदू लड़का लोग भी भगवा कलर पहनकर स्कूल में जाने का परमिशन मांगने लगे। इससे मामला और बिगड़ गया। आउटी ड्रेस स्कूल के तरफ से बैन कर दिया गया था, लेकिन मुस्लिम छात्रा मानने को तैयार नहीं थे। मुस्लिम लड़कियां कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कानून में ये है कानून में वो है, ये बोलने लगी। इससे और ज्यादा मामला बिगड़ गया। सबसे पहली वजह है कि हम लोग को हिजाब पहनना इट्स मैंडेटरी, इट्स ऑब्लिगेटरी फॉर अस। दूसरी वजह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हम एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमको हर एक राइट है अपना रिलीजन फॉलो करने का, अपना कल्चर फॉलो करने का। स्कूल कॉलेज पढ़ने का प्लेस है, ना कि हिजाब या भगवा लगाकर हिंदू मुस्लिम करने का। स्कूल का मतलब है धनी गरीब छोटा बड़ा सब साथ रहे और एक साथ शिक्षा हासिल करे। स्कूल में सबको सम्मान रूप से शिक्षा मिलती है, इसीलिए स्कूल में सेम ड्रेस कोड होता है। स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है। स्कूल में सिखाया जाता है कि मानिस ठूलो दिल ले हुन्छ जात ले होइना, अर्थात आदमी बड़ा अपने दिल बिहेवियर से होता है, कास्ट हिंदू मुस्लिम से नहीं। स्कूल में हिजाब पहन के जाने वाला सोच बहुत ही घटिया है, क्योंकि स्कूल एक एजुकेशन हाउस है, कोई मदरसा हाउस नहीं। स्कूल में हिंदू लड़कियां हिंदू लड़के भी पढ़ते हैं और मुस्लिम लड़की और मुस्लिम लड़के भी पढ़ते हैं, दोनों में सम्मान रूप से किसी में भेदभाव नहीं होता है। तो ये बुर्खा लगा कर जाना, हिजाब लगा कर जाना, ये कहां से सही है आप लोग बताइए। जब टीचर किसी में भेदभाव नहीं करते, सरस्वती माता किसी में भेदभाव नहीं करती, सबको सम्मान रूप से शिक्षा मिलता है, तो जब स्कूल एक ड्रेस कोड लगाया है तो वो ड्रेस कोड लगा कर ही जाना चाहिए, जिसमें कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम ना हो के सबको सम्मान शिक्षा मिल सके। बहुत धनिक लोग है वो चाहे तो क्या नहीं लगा सकते, बहुत गरीब लोग है उनके पास कपड़ा तक नहीं।
नहीं है, तो इसीलिए स्कूल में एक कोड लगाया जाता है कि गरीब से गरीब अफोर्ड कर सके तो धनिक से धनिक भी वो लगा कर आ सके और दोनों समान रूप से शिक्षा हासिल करें। लेकिन यहाँ मुस्लिम छात्रों को माइंड में कुछ अलग ही चल रहा है, शायद उसको जिहादी भी बोला जा सकता है, जिनको बस अपना कल्चर अपना मुस्लिमपना प्रमोट करना है। वो चाहे तो हिंदू भी अपना कल्चर प्रमोट कर सकता है, वो भी चाहे तो भगवाधारी बन के कॉलेज आ सकता है। बाहर जो लगाना है लगाइए, बट स्कूल कॉलेज में एक प्रॉपर ड्रेस होता है, वो ड्रेस कोड के साथ आइए और पढ़िए, सम्मान रूप से शिक्षा हासिल करिए। अब आप लोग कमेंट करके नीचे बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है।